उतना पवित्र है। माँ बोलेंगे कितना आनंद आता, और जिस रिश्ते में दो बार मामा जुड़ा था, मामा क्या जुड़ा था, दूसरी बार वो मामा अपना शत्रु बन के बैठ गया था। बोलो विचार करने की बात है, लेकिन कृष्ण को कभी रोते हुए नहीं देखोगे, कृष्ण को सदा नाचते और गाते हुए देखोगे। और जिनकी एक एक शादी हुई होती है, और इसकी तो 16,108 हुई थी। कितनी हालत क्या होती होगी, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण को कभी रोते हुए कैसे मिलेंगे, कृष्ण आपको सदा हंसते हुए गाते हुए प्रसन्न। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करनी है तो पहले प्रसन्नता से, मेरी भक्ति करनी है तो पहले। अब शंकर जी को देखो, शंकर जी का मामला तो और भी गड़बड़ है, कि कृष्ण जी के भी ज्यादा गड़बड़ ही है। इनके परिवार में आपस में किसी की भक्ति नहीं, इनके परिवार में आपस में किसी की देखो, पार्वती जी का वाहन शेर और शंकर जी का बैल, शंकर जी का वाहन क्या बैल और शेर की कभी भक्ति है, और गणेश जी का वाहन क्या है, अरे बोलो ना, और कार्तिक जी का वाहन, और शंकर जी के गले में और सांप जो है वो चूहे का भोजन करता है, सांप किसका भोजन करता है, और वो जो है वो सांप का भोजन करता है। यहाँ भी आपस में बनने वाली सब गड़बड़ मानता है, लेकिन शंकर जी क्या भी कभी आपको लड़ाई नजर में आएगी, शंकर जी की सलाह कैसे मिलेंगे बोलो, प्रसन्न रहेंगे, मुस्कुराते मिलेंगे, यही प्रेरणा आपको देते हैं, सदा प्रसन्न रहना सीखो। क्या प्रेरणा देते बोलो, सदा, लेकिन तुमने आदत बना ली है रोने की, आदत किसकी बना ली, वहां कई को आदत पड़ी होती है दुखी रहने की, कईयों को आदत पड़ी रहती है, एक जगह पड़ती है गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर माउंट आबू, आप गए भी हो शायद, हम लोग पहले वहां चौपासा किया करते, सुनने देते बात, चार महीने एक ही जगह रहते थे, कभी यात्रा नहीं करते, चौपासा मारो रोज रहे घर में भोजन करने जाते, और मेरे साथ करीब 40 महात्मा रहते थे। कितने महात्मा, 40। आज कल तो इसलिए हमने बंद कर दिए कि लाल लोग हमसे दुखी हो जाते हैं, 40 रखे तो बेचारे परेशान हो जाएंगे, महाराज साहब को लुटाई करी सब लाचारिया तो सब नहीं दुखी हो जाते, पहले हम मंडली चलाते थे तो 40 महात्मा, एक महात्मा का नाम था रामानंद पुरी, सुनने जैसी बात, नाम क्या था, बड़े मस्त महात्मा, मुस्कुराते रहते, मैं रोज सत्संग करता था, भीड़ होती थी, एक दिन मैंने क्या देखा, रामानंद पुरी जी का चेहरा उतरा पड़ा, बुढ़ा पड़ा उदास बैठे, कथा के बाद कीर्तन के बाद मैंने पूछा, अरे रामानंद क्या हुआ, बोले गुरु जी मेरा कमंडल गुम हो गया, क्या बोले, मेरा मैं कह यार सभी गजब का बाबा, एक कमंडल के लिए होता इसमें कौन सी बड़ी बात, आप बढ़िया कमंडल मंगा लेंगे, मैंने पहले फोन किया लाला जी को, हमारे शिष्य हैं उनको कहा मैंने बाबा को एक बढ़िया कमंडल लाते दे भाई, लाला ने बढ़िया कमंडल लाकर के महात्मा जी को